और वहाँ मेरा सेंटर है। अब इधर से जाके पहले रोल नंबर ढूंढना है कि रोल नंबर कहाँ पर है। हाय भाई डीबीयू, इसको प्रिंटर लगाए, थोड़ा दिखा गर्दन अपनी, इसको प्रिंटर लगाए, देखो इसको प्रिंट किया है यहाँ पे। और देखिए एमजेके सिटी में आपको आज दिखाऊंगा एमजेके सिटी में क्या है। देखिए ये देशभक्त यूनिवर्सिटी, ये देखिए आप हवा, ओह बहुत ज़्यादा हवा, हवा का यहाँ से पता चलेगा कितनी तेज है, ये देखिए आप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे। आज हमारा लास्ट पेपर है यूनिवर्सिटी में और यही लग रहा है कि लास्ट दिन हमारा यूनिवर्सिटी में है। आज के बाद देश भगत को बाय बाय कहना पड़ेगा। इस वक्त हम जा रहे हैं पहले चाय पीने, तो पहले चाय पीते हैं तो उसके बाद फिर तैयारी करते हैं, आज पेपर भी है। तो आज का व्लॉग को एंड तक देखना है। जो मेरे चैनल पर नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर मेरा व्लॉग देख लें तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। चलिए चलते हैं। अभी यहाँ पे सारे सोए हुए हैं, देखे कोई भी बाहर नहीं निकला हुआ है, सब सोए हुए हैं। और जो चाचा है वो सफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, ये पोछा मारते हैं टायरों को। पंजाब में 12 बजे तक मौसम ठीक होता है, इंसान फिर भी बाहर निकल पाता है। जैसे 12 क्रॉस हो जाते हैं वैसे इंसान जैसे उबल रहा होता है, उतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अब चलिए आज का दिन यहाँ है, कल शायद घर चले जाएंगे और घर से इंशाल्लाह कल के बाद व्लॉग आएगा देशभक्त को बाय बाय कहकर। और यूनिवर्सिटी इस वक्त आज पेपर्स हैं तो इस वक्त थोड़े थोड़े ही बच्चे दिख रहे हैं। और ये रहा मदन का कैंटीन, पीछे उन्होंने रखा हुआ है मदन का कैंटीन, आई लव मदन कैंटीन। और ये रहे हमारे प्यारे मदन भाई जिनका ये कैंटीन है। अब मदन भाई के साथ आखिरी मुलाकातें हो रही है यहाँ। मदन भाई दो चाय, मदन भाई दो चाय और दो समोसे, दो चाय दो समोसे। A few moments later, ये अभी चाय, समोसे कब आएंगे समोसों का कुछ पता नहीं है। मदन की चाय और ये समोसे भी आ गए। अब हम पीते हैं पहले चाय, चाय के बाद फिर मिलते हैं। चाय पी ली, अब जा रहे हैं रूम की तरफ। मौसम आज ठीक ही है, बादल हैं आप देखें और टेम्परेचर भी इस वक्त ठीक ही है। अब जाते हैं रूम पर, 1:30 बजे पेपर है तो 1:30 बजे तक रूम में बैठते हैं। तब तक थोड़ी सी नज़र मारते हैं बुक्स को। आज मैं आपको रूम का हाल दिखाता हूँ, देखे आप रूम का हाल कैसा है। ये रहा हमारे रूम का हाल, पेपर्स लगे थे टाइम भी नहीं मिला और जब कूलर में पानी डालते हैं इसमें से पानी नीचे गिरता है तो तभी ये हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल है। अब रूम को भी साफ़ करना है, शाम को मैंने कपड़े भी धोए थे मगर ये अभी गीले ही हैं। अब करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई तो उसके बाद फिर डायरेक्ट पेपर देने जाते हैं। अभी देखिए आप थोड़ी सी नज़र मारते हैं, इस वक्त नज़र मारनी पड़ती है। चलिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेश हो गया मैं, अब चलते हैं डायरेक्ट सीधे एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ। लेट भी हो गया है, 1:18 यहीं पे टाइम हो गया है। अगर लेट पहुंचे तो फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं देते हैं आने। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ और दुआ करना मेरा पेपर अच्छा हो। और जुल्फी पहले ही निकल चुका है तो अब मैं जाता हूँ, ताला बंद करके निकलते हैं। और वहाँ मेरा सेंटर है, अब इधर से जाके पहले रोल नंबर ढूंढना है कि रोल नंबर कहाँ पर है। यहाँ हमारा पेपर होने जा रहा है, अब मैं जा रहा हूँ पेपर देने, फोन यहीं पे जमा करना पड़ेगा, वहाँ से आकर मिलते हैं। 3 hours later पेपर ख़त्म हो गया, अब सईद भी निकला पेपर देकर। अभी अपना बैग ढूंढ रहा है, शुक्र अल्लाह ताला का ठीक हुआ। हाय भाई डीबीयू। ये हिलाल भाई क्लासमेट और ये दूसरे भाई, इनका नाम मुझे पता ही नहीं है। और ये आपको खास सही होगा जो ये कैमरे को देखकर छुपता है। इन भाई का पेपर भी अच्छा ही हुआ होगा, इनका भी अच्छा ही हुआ होगा और इसका भी। इसको प्रिंटर लगाए, थोड़ा दिखा गर्दन अपनी, इसको प्रिंटर लगाए, देखो इसको प्रिंट किया है यहाँ पे। आज जो सर एग्जामिनेशन सेंटर में थे, जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, उसने आज सबको तंग किया।
सबके पेपर्स लिए और मेरा नहीं लिया पेपर, ऑब्जेक्टिव लास्ट पे लिखने थे, तो फिर मैंने शॉर्टकट मार के ऑब्जेक्टिव लिख लिया, पेपर वापस दे दिया। और देखिए एमजेके सिटी में आपको आज दिखाऊंगा एमजेके सिटी में क्या है। देखिए ये देशभगत यूनिवर्सिटी के सारे यहाँ पे हर एक चीज़ मिलता है, वहाँ कश्मीरी वाजवान मिलता है। और ये देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने ये जानवर बनाए हुए हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी की आखिरी याद है, और ये बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी के अपोजिट में है। ये अभी तक फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, थोड़ी बातें चल रही थी कब किसको कहाँ जाना है और इंटर्नशिप कहाँ से करनी है। तो अब तक उन्हीं के साथ बैठा हुआ था, अब कैंटीन से एक ड्यू लाई, अब रूम में बैठते हैं लगभग 15-20 मिनट, क्योंकि पसीना भी बहुत आ रहा है। देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। अब रूम में बैठते हैं, थोड़ा कपड़े चेंज करते हैं, अपने आप को थोड़ा ठंडा करते हैं, तो उसके बाद फिर और बाहर निकलते हैं, हम लोग की तरफ आ जाते हैं। कल इंशाल्लाह देखते हैं कि घर की तरफ पहुँच जाना होगा। पहुँच गया मैं रूम पर, अब थोड़ा सा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। कूलर लगा हुआ है और कूलर की वजह से पसीना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, 5 मिनट मुझे हुए कूलर के पास बैठे हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब थोड़ा सा आराम करते हैं और कपड़े भी चेंज करते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग के लिए जाते हैं। इस वक्त हवा इतनी है, हद से ज़्यादा हवा पंजाब में। जुल्फी आया था, इसको दरवाज़ा ही नहीं बन लगा खोलने। मैं आपको दिखाता हूँ कि हवा कितनी ख़तरनाक होती है पंजाब में, अल्लाह ताला बचाए हवा से। ये देखिए आप हवा, ओह बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा। दरवाज़ा इस वक्त खोलने ही नहीं बन रहा है, आप देखिए वहाँ फसल किस तरीके से उड़ रही है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए हैं उस तरीके से आवाज़ आ रही है हवा की, बहुत ज़्यादा इधर हवा होती है, यहाँ तक कि यहाँ दीवारें गिर जाती है। जो आप ये नीचे ये वाली दीवार देख रहे हैं, ये गिर गई थी परसों हवा की वजह से। अब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, अब देखते हैं कि दरवाज़ा खोलने आएगा या नहीं। देखे आवाज़ कैसी हवा की, ये देखे आप कितना इसमें जोर लगाना पड़ता है। देखे हवा का यहाँ से पता चलेगा कितनी तेज है। देखे आप ये देखा हवा कितनी तेज है, बहुत तेज हवा है यहाँ, और लाइट भी चली गई है। मौसम भी शांत हो गया, शायद बारिश पड़ रही है। हाँ शायद बारिश पड़ रही है। तो देखे अब हो गया हम लोग का प्लान कैंसिल। हम लोग जरूर जाना था मगर बदकिस्मती की वजह से बारिश स्टार्ट हुई, तो अभी तक मैं आराम कर रहा था, मैं ऐसे ही निकलने वाला था मगर बारिश स्टार्ट हुई। देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए आप, ज़मीन गीली हो गई तो ये बारिश हो रही है। लास्ट डे आज यूनिवर्सिटी का था कैंपस में, तो अब इंशाल्लाह कल का इरादा है कि कल घर निकलेंगे, तो यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म, हॉस्टल लाइफ ख़त्म। सबसे ज़्यादा याद हॉस्टल की आएगी, जो हमने एंजॉय हॉस्टल में किया है, जो मर्ज़ी आती थी यहाँ करते थे, घर वालों से दूर होते थे, और यहाँ की कुछ यादें पूरी उम्र याद रहेगी। तो क्या कर सकते हैं, अब 3 साल एंजॉय हमने किया, तब इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा वही होगा। तो खैर अब बारिश हो रही है, अब आराम ही करेंगे, और व्लॉग भी फिर लेट अपलोड होता है, तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करना और पेज को फॉलो करना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को खुश रखे, आबाद रखे।